निकालिए अपना एक पर निकालिए। मैंने श्लोक भेजा है एकादशी ग्रुप में,
पढ़ी, मैं पहले पढ़ता हूँ फिर मेरे पीछे पढ़ी। अथ के न प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः फलादिव नियोजितः, अनिच्छन्नपि वार्षणे। अथ केन प्रयुक्तोयम्, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय, अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादीव नियोजितः, बलादीव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम्, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, पापं चरिता पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय, अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादीव नियोजितः, बलादीव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तायम्, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजिता। अथ केन प्रयुक्तोयम्, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय, अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजिता, बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम्, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय, अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजितः, बलादेव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तम्, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरितं पुरुषः, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय, अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजिता, बलादिव नियोजिता। अथ केन प्रयुक्तोयम्, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादेव नियोजितः। उसको देखो, उसको। अथ केन प्रयुक्तोयम्, पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय और तो पढ़ रहा क्या? ठीक है। तो हम लोग मंगला चरण सातवां बोल लेते हैं। ओम अज्ञानमतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं जगदि स्वप्रकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुरमेशमाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणहर्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाना सहगणललिता श्रीविशाखाश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकम करोति माचालं बम्बूलं हरे गिरिं यत्कृपादं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। तो भारत में दो बहुत चीजें महत्वपूर्ण ढंग से बोली जाती हैं। एक तो ये बोला जाता है कि हम किसी को भी इनविटेशन देते हैं, आइए मंदिर आइए, तो वो कहते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तब आ जाएंगे। या भगवान की प्रभुजी हमारे पर कृपा ही नहीं है, जब भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे। या फिर हम उनको बोलें कि आप माला जप करिए और भगवान का नाम लीजिए, तो कहते हैं प्रभु जी भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, जिस दिन भगवान कृपा करेंगे उस दिन हम लोग माला करने लग जाएंगे। लॉजिक बड़ा जबरदस्त है उनके पास, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही सारी चीजें होती हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा से सारी चीजें हो रही हैं, तो अब क्या बोलोगे। तो यहाँ अर्जुन भी वही चालाकी कर रहा है, अर्जुन भी यही चालाकी कर रहा है। वो कहते हैं वो देखो भगवान से क्या बोलता है। अच्छा अर्जुन ने ये सब बातें इसलिए पूछी है कि उसे पता था कि आगे जो है हम सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, और हमारे पास सबसे बड़ा एक बहाना होगा कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, या भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है प्रभु जी, तो मैं कैसे जप कर लूंगा। नेचुरल बात, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल रहा है तो आपकी जबान कैसे हिलेगी, मतलब भगवान की इच्छा नहीं है। और जब भगवान की इच्छा नहीं है, जिस दिन भगवान कृपा करेंगे भगवान का नाम लेंगे, तो अर्जुन को पता था कि हमारे पास ये बहाना रहने वाला है। अर्जुन ने भगवान से बड़े अच्छे शब्द में कहा कि अथके न प्रयुक्तो यम पापम चलति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः, कि मैं ये पाप करना नहीं चाहता, जितने भी मैं पाप कर रहा हूँ पाप करना नहीं चाहता हूँ, और मेरी इच्छा भी नहीं है पाप करने की, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक मुझे पाप कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या बलपूर्वक कोई मेरे से पाप करवा रहा है। मेरी इच्छा तो नहीं करने की, लेकिन कोई बलपूर्वक मेरे से पाप करवा रहा है। तो बड़ा लॉजिकल बोला हुआ कि इच्छा नहीं है मेरी करने की, और लेकिन कोई बलपूर्वक मुझे पाप कर्म पर ढकेल रहा है। तो ये इनडायरेक्टली वो है ना, वो ब्लेम लगा रहा है भगवान के ऊपर कि आपकी कृपा नहीं है मेरे ऊपर, अगर आपकी कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर तो मैं पाप कर्म से बच जाऊंगा, इसका ही उपयोग करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद इस विषय में कहते थे कि ये ऐसा है, जीव हमेशा है ना अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट लेना चाहता है, और बुरा होता है तो वो उसको किसी परम सत्ता के ऊपर सौंप देता है। वो उदाहरण देते थे कि किसी एक रूम में दो लोग रहते हैं और किसी की एक चीज खो गई, तो अब वो बोल भी नहीं सकता है। जैसे हम लोग यहाँ आए और हमारे जाने के बाद यहाँ कोई कीमती मोबाइल किसी का खो गया। अच्छा आजकल तो ये हो गया है आजकल, हाँ नहीं पर हम तो हमारी ऐसी इच्छा भी नहीं है करने की, कैमरा नहीं भी होता है तो हम नहीं करने वाले थे, कैमरे तो बाहर लगे ना। अच्छा फिर ठीक है, फिर सुविधा है। हाँ फिर ठीक है। तो क्या होता है कि आप बोल भी नहीं सकते, एक कीमती मोबाइल चोरी हो गया और आप बोल भी नहीं सकते, और लेकिन आपको शंका तो है कि यही है, दो ही लोग हैं, तीन ही लोग हैं। तो क्या होता है कि हम लोग है ना बीच का रास्ता निकालते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु जी आपने मेरा मोबाइल देखा क्या, तो स्वाभाविक तौर पे वो बोलेगा कि नहीं नहीं देखा मैंने। तो उसके बाद हम चालाकी से उससे क्या प्रश्न करते हैं, प्रभु जी रखा तो यही था, आपके मेरे अलावा कोई और आया भी नहीं यहाँ पे।
दानी कहाँ चला गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उठाया, लेकिन हम दो ही थे और मेरा ही मोबाइल था, तो ये तो संभव नहीं कि मैं उठा लूं। तो इतनी चालाकी अर्जुन भी ऐसा ही कह रहा है। अर्जुन के भी कहने का यही तरीका है कि मैं करना तो नहीं चाहता हूं, पर कोई मुझसे करवा रहा है, और यही हमारा भी वो रहता है। तो भगवान इसके लिए फिर आगे के श्लोक में फिर अर्जुन को बताते हैं कि तुम पाप करते क्यों। तो कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भवा। पाप करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर तब आती है जब हमारे अंदर कोई इच्छा आती है, हमें कुछ विशेष चाहिए होता है। हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, इतने बड़े घर में रह रहे हैं, लेकिन हम कंपटीशन करने लग जाएं कि पड़ोसी के पास मर्सिडीज सी क्लास है और मैं अभी जो है वो होंडा सिटी ही चला रहा हूं। तो एक इच्छा आ गई हमारे अंदर कि वो सी क्लास मेरे पास भी होना चाहिए और बीएमडब्ल्यू मेरे पास भी होना चाहिए। होंडा सिटी स्टेटस मेरे स्टेटस को कम करती है। तो ये क्या आया? एक कामना आई हमारे मन में, इच्छा आ गई। अब उस इच्छा को पूर्ति के लिए काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र भवा। तो राधेश्याम प्रभु एक कह रहे थे कि काम क्रोध और ये काम एष क्रोध रजोगुण ये सब आपस में भाई बहन है। एक आता है तो उसके पीछे पीछे दूसरा अपने आप चला जाता है। तो जैसे ही हमारे अंदर ये कामना आएगी, वो हमारे पास होंडा सिटी के बजाय दिए बीएमडब्ल्यू आ जाती तो कितना अच्छा था। तो उसके लिए फिर हमारे अंदर एक रजोगुण आएगा। रजोगुण क्या है कि उद्योग करना, कि मैं कर लूंगा, मैं इसको अचीव कर लूंगा। और उस अचीवमेंट के लिए क्या होता है कि फिर वो रजोगुण जैसे ही आया तो उसकी एक बहन और आ जाती है, लालच, उसकी बहन आ जाती है। आप ऐसा कहते हैं कि भूख लगी है प्रसाद ले लो पेट भर जाएगा, प्यास लगी है पानी पी लो पेट भर जाएगा, लेकिन यदि लालच आ गया तो फिर वो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। तो रजोगुण आ गया आपके अंदर और फिर आपने ये इनके प्रकार आप भाग गए उसके लिए। मुझे कोई एक एक, एक डिवोटी, पिछली बार एक हम किसी के साथ बैठे थे विदिशा में थे, हमें डिवोटी ने कहा कि प्रभु जी इनका एक नेचर है। तो मैंने कहा क्या नेचर है बताओ। बोले कि इनका एक नेचर है कि इनके पास सफिशियंट है लेकिन ये हमेशा दूसरे का देख के दुखी होते रहते हैं। देखो ये कितना कमा रहा है, देखो वो कितना कमा रहा है, हम देखो हम तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो रजोगुण की प्रवृत्ति है इसके कारण क्या है, व्यक्ति भागता है भागता है भागता है, और ये भागते भागते जब उसको अचीव नहीं कर पाता है, जब वो मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू को अचीव नहीं कर पाया, तो फिर वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि कामना उसने जो है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा की, फिर उसे है ना, फिर कुछ भी भला बुरा अच्छा दिखाई नहीं देता है। कामांध एक शब्द आता है हमारे शास्त्रों में, कामांध। तो नॉर्मली बाहर के लोग ये सोचते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच में जो एक एक रिलेशनशिप है वही कामांधता आती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसको ज्यादा अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं कि निजेंद्रिय प्रीति वांछा करे तार नाम धरे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा करे तार नाम धरे प्रेम। हम हमारी निजी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई भी काम करते हैं तो वो काम होता है, और भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई काम करते हैं तो वो प्रेम होता है। तो उन्होंने ये कहा। तो कामांधता, अब कामांधता क्या आ गई हमारे अंदर कि मुझे बीएमडब्ल्यू लेना ही है, तो एक आंखों के आगे एक पट्टी बंद गई और अच्छा बुरा दिखना बंद हो गया। वो अच्छा बुरा दिखने बंद होने से क्या होता है कि फिर हम किसी के साथ भी धोखाधड़ी करने लग जाएंगे, किसी को भी ठगने लग जाएंगे। तो ये अंतहीन प्रोसेस चालू हो गई, और अंततः अगर फिर भी इतना करने के बाद भी यदि हम उस बीएमडब्ल्यू को नहीं अचीव कर पाए
तो फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, काम एश क्रोध एश, फिर क्रोध आता है, क्रोध की उत्पत्ति होने लग जाती है। और क्रोध जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हृदय में अतृप्त इच्छाएं रह गई, वो जो गौरांग प्रभु है वो एक अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि आपके अंदर इच्छा है करने की, यू हैव अ विल एंड यू हैव नॉट स्किल, इट मे बी कन्वर्ट इन डिप्रेशन। आपके अंदर विल है कि मेरे पास ये आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, लेकिन स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, तो फिर वो फिर क्या होगा कि निराशा लेके आता है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है और उतना आपकी स्किल्स नहीं है, तो फिर वो निराशा आती है। तो क्रोध के बाद जब क्रोध शांत होता है, जब आप उसको अचीव नहीं कर पाए, क्रोध शांत हुआ और उसके बाद फिर वो निराशा में कन्वर्ट हो जाता है, और वो निराशा जो है फिर वो अन्य 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 बीमारियों में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, अनिद्रा, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, बिना कारण के, जैसे बचपन में हम एक खरगोश की स्टोरी पढ़ते थे, उसको ओवरथिंकिंग की बीमारी थी, तो वो हमेशा ही सोचता था, कुछ बुरा बुरा ही सोचता था वो, और वो एक दिन एक पेड़ के नीचे सोया, बुरा सोच के ही सोया, उसे लगा कि एक दिन ये आसमान गिर जाएगा हमारे ऊपर, और ये वो सो रहा था, पड़ा होगा आपने, है ना, तो वो एक पेड़ की बड़ी सी डाली गिरी, वो घबरा के उठा, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, वो भागा, लोगों ने पूछा क्यों भाग रहा, वो बोले आसमान गिर गया। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण होता है, ओवर थिंकिंग। तुलसीदास जी एक अच्छी बात लिखते हैं, वो कहते हैं कि वो क्या, होनी तो होके रहे, अनहोनी होने न पाए, राम भरोसे बैठ के, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। तो भक्तों को, खासकर हम भक्तों को ये सोचना चाहिए कि ये सब चीजें आती हैं काम के कारण, और हमें है ना ईमानदारी से अर्निंग के लिए सोचना चाहिए, और ये क्रोध इस काम की परिणति है। तो आज शाम को ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें प्रभुपाद जी के विषय में बताया था कि प्रभुपाद जी कितने कितने विनम्र हैं। डेट्रॉइट मंदिर में प्रभुपाद जी दीक्षा समारोह के लिए गए, और वो यज्ञ कुंड अधूरा था ना, उसको उन्होंने रंगोली से सजाया, ना कुछ किया, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको तुमने सजाया नहीं, जब तक इसको उनको 5 साल हो गए थे, बहुत सारे शिष्य हो गए थे, बहुत सारे यज्ञ हो चुके थे, तो वहां के टेम्पल प्रेसिडेंट ने कहा प्रभु जी अब प्रभुपाद जी अभी इसको करवा देते हैं, वो हुआ। फिर प्रभुपाद ने कहा कि इसके लिए अब कुछ फ्रूट चाहिए, तुमको पता नहीं है, तुमने यज्ञ देखे नहीं है, तुम्हारे खुद का तो दीक्षा देखी होगी, तो उसने कहा यस प्रभुपाद जी मैं अभी 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 भिजवाता हूँ, और उसने एक भक्त को इशारा किया कि जाओ फ्रूट्स लेके आओ, प्रभुपाद जी के सामने तो आवाज ही नहीं निकलती थी किसी की, फ्रूट्स लेके आओ। वो बेचारा फॉरेनर्स किसी समय में उसने सुन लिया होगा कि गुरु के पास है ना एक स्टेप आगे बढ़ के सेवा करना चाहिए, तो उसने सोचा कि टेम्पल प्रेसिडेंट ने फ्रूट्स लाने बोला है और प्रभुपाद जी ने इसको बोला है, तो प्रभुपाद जी को शायद खाना होगा, तो काट के ले आया और 2 प्लेट में सजा के ले आया प्रभुपाद जी के पास, 4-5 अलग अलग फ्रूट्स, और प्रभुपाद जी ने वो देखा और प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया, मतलब गुस्सा तो नहीं आया, वो थोड़े इरिटेट जैसे हो गया कि क्या सिखाता हूँ मैं लोगों को, ये क्या करते हैं। तो एक उधर एक नया भक्त बैठा था, हिप्पी भक्त था, तो वो भी बहुत गुस्सा करता था, तो उसे टेम्पल के सारे भक्त कहते थे गुस्सा आना तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो, ऐसा कहते थे उसे। तो उसने देखा कि प्रभुपाद जी परेशान हो रहे हैं, वो चुपचाप आया प्रभुपाद जी के पास, और प्रभुपाद जी कहा कि प्रभुपाद जी आपको गुस्सा आ रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देखा और अपनी माला उठाई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात है, डाइवर्ट हो जाता है, सही
तो ये चल प्रभुपाद जी की विनम्रता को दिखाता है। अगर उस जगह मैं होता तो मैं उसे जरूर झिड़क देता, तू अब सिखाएगा मुझे कि अब क्या करना है, अब तू सिखाएगा कि मेरे को माला करना है। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको देखा, अपनी जपमाला उठाई, हरे कृष्ण 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 हरे। तो ये विनम्रता है। चल जब एक लेवल पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो वो है ना बहुत इन सब चीजों से परे हो जाता है। तो देखिए गोपाल कृष्ण महाराज, आज उनकी व्यास पूजा है। ऐसी एक बार मैंने गलती करी 96 में, दिल्ली मंदिर ये करोड़ों रुपए का, 50 करोड़ रुपए तब उन्होंने लगाए हैं 96 में, और मुझे पता नहीं था कि यहाँ इंदौर में क्या गोपाल कृष्ण महाराज आते थे, 10-15 लोग होते थे और मैं उनका असिस्टेंट होता था, और इतना निकटस्थ कि उसका कोई जवाब नहीं। दिल्ली गया, दिल्ली में महाराज वो सहज सिंह वर्मा मुख्यमंत्री था दिल्ली का, वो महाराज जी के साथ खड़ा था, और मैं तो उसी भाव में था कि महाराज हमको बहुत अच्छे से जानते हैं, और पूरा मंदिर देख के मैं बड़ा अभिभूत हो गया। पर है ना बेवकूफों की तरह महाराज के पास गया, उनको प्रणाम किया और कहा महाराज जी आपके ऊपर प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा हो गई है, देखो आपने कितना बड़ा मंदिर बना दिया है। तो महाराज ने मुझे देखा, बोला कि हाँ ये मेरे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी। तो जब एक लेवल पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके अंदर ईगो और ये सब चला जाता है। हम अपने आचार्यों को देखते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, बिल्कुल भी ईगो नहीं है। हम एक भजन माँ अभिनीशा में गाते हैं कई बार कि आमार जीवन सदा पापे भगत, मेरा जीवन हमेशा ही पापमय है, और मैं दूसरे अन्य वैष्णवों को दुखी देखता हूँ तो मेरे को पता नहीं क्यों बहुत खुशी होने लग जाती है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जब उन्हें पिंच करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि देखो मैंने नई बुक लिख दी है, मैंने ये प्रचार कर दिया है, और जब मैं उनको देखता हूँ कि इससे वो बड़ा दुख का अनुभव करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा ये भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा स्वभाव होगा क्या? नहीं, लेकिन वो हमें है ना हमें टारगेटेड करते हैं। वो बताते हैं, वो अपने आप को माध्यम बना के वो हमें टारगेटेड करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों का ऐसा नेचर है, तुम अन्य वैष्णवों को दुखी देखते हो या अन्य लोगों को दुखी देखते हो तो तुम्हें प्रसन्नता होती है। क्यों हम फेसबुक पे इतने सारे वो सब ये सब करते हैं? क्योंकि हमें प्रसन्नता होती है कि हम बड़े हो रहे हैं, देखो हम एक कदम तुमसे आगे जा रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारा जीवन सदा पापे रगत। वो भजन निकालो इसमें वैष्णव सॉन्ग बुक में। तो हमें है ना कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्तियां हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। एक तो ये कि हम हमेशा ही ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो ये होगा। दूसरा हमारे अंदर एक कमी और है, वो कमी ये है कि हम है ना चीजों को बड़ा आसानी से ले लेते हैं। हम लोग शायद वैष्णव लोग तो नहीं, लेकिन बाहर के लोगों को डीटी वर्शिप सिखाओ तो वो है ना क्या कहते हैं, अरे कुछ नहीं प्रभु जी, भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना। कितने ही लोगों ने बोला होगा भगवान तो भाव के भूखे हैं, और उनके पास एक उदाहरण देता है, भगवान ने तो शबरी के जूठे बेर खाए हैं। तो हमको इतने सारे नियम कायदे और ये सब पालन करने की आवश्यकता क्या है? कितने लोगों ने हमको बोला है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं प्रभु जी। दो उदाहरण देते हैं, एक वो करमा बाई की खिचड़ी का देते हैं, करमा बाई तो बिना नहाए प्रभु जी भगवान के लिए बना दी थी, वो पंडितों का नहीं खाते थे, पुजारियों का नहीं खाते थे, और हमारा उसका खा लेते थे, शबरी के झूठे बेर खा लेते हैं। भगवान तो प्रभु जी भाव के भूखे हैं। तो ये कब होता है, लोग कब बोलते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि अरे भगवान आपके घर आके बैठे हैं, लड्डू गोपाल की आप सेवा करते हो तो इनको कुछ भोग लगाते हो कि नहीं लगाते? हाँ सुबह लगाते हैं ना प्रभु जी, मिश्री का भोग लगा देते हैं, फिर शाम को क्या करते हो, कोई सुबह लगा देते हैं। भगवान तो भाव देखता है प्रभु जी, भगवान ये थोड़ी देखता है कि आपने क्या खिलाया भगवान को। अच्छा वो फिर बच्चा उसमें से खा रहा है, उसको बोलो कि नहीं पहले, अरे भगवान ने तो शबरी के झूठे बेर खाए प्रभु जी। अच्छा तो फिर ये ना एक बड़ी सुविधा ले लेते हैं। लेकिन शबरी का आपको पता है कि शबरी ने कितनी तपस्या करी है? शबरी को उनके गुरुजी ने कहा कि देखो तुम जाओ और तुम्हें इस रास्ते पे एक दिन श्री राम आएंगे,
और तुम एक वो एक आश्रम में जाके रुकी और आश्रम वासियों से कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, मैं सारी सेवाएं करूंगी, आप बस मुझे यहाँ रुकने दो, एक दिन श्री राम जी इस रास्ते से निकलेंगे और मैं उनका दर्शन करूंगी। वो पानी भरती थी उनका, उनके बर्तन साफ करती थी, उनका सारा काम करती थी, उसकी सारी निगाह रास्ते पे होती थी। उसने एक भी दिन इतने सालों में एक भी दिन उस आश्रम को नहीं छोड़ा कि पता नहीं मैं बाहर जाऊं और इस बीच श्री राम जी निकल जाए। इतनी कठोर तपस्या, तो इस तपस्या से भगवान रीछते हैं और वो खाते हैं झूठ। हम तपस्या कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं भगवान तो खाओ के बैठे हैं, बड़ा गड़बड़ है। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो हम बस ये पढ़ते हैं क्योंकि लेट हो गए ऑलरेडी, तो ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आमार जीवन सदा पापेर रथ नाहीं कर पुण्य रलेश। वो कहते हैं कि मेरा जीवन जो है पापों में ही हमेशा बीतता है और पुण्य का लेश मात्र भी मेरे अंदर नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, परे रे उद्वेगे दिया छी ये कत दिया छी जीवे रे क्लेश। और परे रे उद्वेग मतलब दूसरों को दुखी करना, दिया छी ये कत दिया छी जीवे रे क्लेश, अन्य लोगों को क्लेश देके मुझे क्या होता है, मजा आता है। निज सुख लागी पापे नाहीं डर दयाहीन स्वार्थ पर। ये देखो हम सब लोगों के लिए, वो कहते हैं निज सुख लागी पापे नहीं डर, मैं अपने सुख के लिए पापों का डर नहीं डरता नहीं, पाप से भी नहीं डरता हूँ, मैं कैसे भी करके मैं सुखी हो जाऊं, कितने भी पाप कर लूं। दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी। वो कहते हैं कि मेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है और स्वार्थ इतना है मेरे अंदर कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, और पर सुखे दुखी, दूसरे को जब सुखी देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, और सदा मिथ्याभाषी, और सदा मिथ्याभाषी सदा ही झूठ ही झूठ बोलता हूँ, बिना कारण के झूठ बोलता हूँ। राजवाड़े पे होता हूँ और पूछता हूँ क्या हो गया जी, 5 मिनट में आ रहा हूँ। आ सकते हो क्या 5 मिनट में राजवाड़ा से? लेकिन बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट, कई लोग तो सिर्फ 2 ही मिनट लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं सदा मिथ्याभाषी, पर दुख सुख करम अशेष कामना हृदय माझे मोर। और दूसरे को दुख में देख के मुझे सुख का होता है, अशेष कामना हृदय माझे मोर। और मेरे अंदर क्या क्या है, क्रोध दंभ परायण मद मत सदा विषय मोहित हिंसा गर्भ विभूषणम। ये सारे वो बताते हैं कि मेरे अंदर डिसक्वालिटीज हैं। फिर वो कहते हैं निद्रा लस्य हत सुकार्य विरत, और हमेशा ही निद्रा में रहता हूँ, आलस्य में रहता हूँ और सुकार्यों से मैं विरत रहता हूँ, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, सोता रहता हूँ, आलस्य में रहता हूँ। अकार्य उद्योगी आमी, और जो नहीं करना उसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, उद्योग करता हूँ। बताओ कितना सुंदर लिखा है उन्होंने। प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, और इस प्रतिष्ठा के लिए है ना मैं झूठा आचरण दिखाता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि नॉर्मली डिवोटीज भले घर में माला नहीं कर रहे हैं, लेकिन या वो कम कर रहे हैं या थोड़ा सा माला का वो स्तर नहीं है, लेकिन जैसे हमारे साथ जाते हैं किसी के घर में, उनकी माला ही नहीं छूटती है हमेशा। मतलब इतना मतलब उनकी ये माला की झोली उनके हाथ से ही नहीं छूटती। फिर हमें लगता है तो बड़े इतनी माला करते हैं। और फिर तो जब वो सब हो गया, उस घर से बाहर निकले, माला को ऐसे लपेट के ये जेब में डाल दिया, फिर वो 8 दिन बाद निकलेगी जब किसी के घर में जा रहा है, फिर वो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। क्या प्रतिष्ठा लाग या साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी, और लोभ रहता है सदा, अलग अलग कामना है अपने आप को सुखी करने की। ए है न दुर्जन सज्जन वर्जित अपराध निरंतर, शुभ कार्य शून्य सदा अनर्थ मन, और शुभ कार्यों में मैं शून्य हूँ और सदा अनर्थ में मेरा मन लगता है। नाना दुखे जर जर वार्धक्य एकन उपाय भी है न, इसका पढ़ना पड़ेगा।
ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभु प्रभुर चरणे करे दुख निवेदन। आखिरी का मैं पढ़ नीचे, नीचे है प्रोड्यूसर। हाँ, अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। तो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया कि हमारी प्रार्थना कैसी होना चाहिए, और हमारी प्रार्थना ऐसी कभी नहीं होती। हमारी प्रार्थना ऐसी कभी नहीं होती। भक्त लोग घर आ जाएं तो हम उन्हें अपने घर के पर्दे ही दिखाते रह जाते हैं। प्रभु जी ये पर्दा मैं लाया हूँ, भगवान का ये 1700 रुपए का पर्दा भगवान के इसमें लगाया है। ये मंदिर प्रभु जी आप देख रहे हो 130,000 रुपए का। मुझे भी किसी डिवोटी ने कहा 130,000 रुपए का बनाया प्रभु जी मंदिर। किसके सामने सब बोल रहे हो आप? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान श्री कृष्ण, जिनकी नख के बराबर भी इस पृथ्वी का पूरा धन इकट्ठा कर लो कि नख की नोक पे भी नहीं आएगा, उनके सामने हम कहते हैं ये देखो मैंने ये किया। हमारी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए जब भक्त लोग हमारे घर आते हैं तो उनको अपने घर का वैभव दिखाने के बजाय उनसे ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी आपकी तरह मैं भी कैसे भक्ति कर पाऊं, मुझे इसके विषय में बताइए। ये मत बताइए कि देखो प्रभु जी ये 1,25,00,000 रुपए का डाइनिंग टेबल है और ये 1,700 रुपए का भगवान का पर्दा मैंने बनवाया है, इस सब की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने हमें हमारी प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना क्या? आमार जीवन सदा पापे रख। क्या हमारे मन में कभी भावना आई कि हम पाप कर रहे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हमने तो अपने आप को कह रखा है कि हम ही सबसे शुद्ध हैं। हमसे शुद्ध और कौन है? बिल्कुल अर्जुन की तरह कि करवा तो भगवान रहे हैं, अनि छन्न भी वाष रहे हैं, बलादी बनी हो जीता, मैं तो करना नहीं चाहता। तो सावधान रहना चाहिए। हमारे वैष्णव आचार्यों के जो भी भजन है उन्हें कम से कम दिन में एक बार भी पढ़ेंगे तो हमारे अंदर उनकी ऊर्जा आएगी और उनकी ऊर्जा से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की एकादशी महोत्सव की हिताई गौर पे मानेंगे। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी जैसे राधा रानी के आगे श्री राधे श्री कृष्ण श्री राम, तो सीता जी के आगे क्यों लगाना चाहिए? इस्कॉन में तो व्यवस्था है, श्रीमती सीता देवी ही बोलते हैं उनको। अपने यहाँ तो व्यवस्था है, जैसे अपन क्या बोलते हैं सीताराम या श्री राम या सीताराम जैसे बोलते हैं, और कृष्ण के उसमें श्री राधे श्री कृष्ण श्री राधे बोलते हैं, श्री राधे भजन में भी ऐसा नहीं। सीता जी के आगे श्री? ना ना, एक्चुअल ऐसा नहीं है। अपनी परंपरा में तो अपन उनको श्रीमती सीता देवी बोलते हैं, या अपनी परंपरा में राधा रानी को भी श्रीमती राधा रानी बोलते हैं। श्री राधे कहाँ बोलते हैं, श्रीमती राधा रानी बड़ा सम्मान सूचक उनके लिए शब्द है, श्रीमती सीता देवी बोलते हैं अपन लोग। बाहर के लोगों को सिखाना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आपसी अपन व्यवहार में होते हैं तो श्रीमती सीता देवी ही बोलते हैं। अपने आप तो आचार्य लोगों ने परंपरा दी है तो ऐसा कुछ नहीं। तो संजय गुप्ता प्रभु के लिए हम 3 बार हरि बोल करते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो 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 बोलो। जन्माष्टमी पे वहाँ गए थे जी, तो प्रभुजी को आए थे बाहर से, उन्होंने बोला कि भगवान का जन्म जन्माष्टमी को तो हुआ था लेकिन श्रावण में हुआ था, फिर माधव को मिला। कल्पगत भेद होता है, कल्पगत भेद होता है, अलग 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 कल्पों में भगवान ने लीलाएं की हैं। जैसे अगर आप पुष्टि संप्रदाय में जाते हो ना, हम लोग जो है अभी जो है वैवस्वत कल्प चल रहा है, वैवस्वत मनुष्य वैवस्वत कल्प चल रहा है, हम लोग अभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो सारस्वत कल्प के जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। भगवान की लीलाओं में कभी कभी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं लेकिन वो कल्पगत भेद होता है। जैसे अगर आप तुलसी जी की रामचरितमानस पढ़ो तो उसमें वो केवट वाला प्रसंग है कि केवट को उन्होंने पार करवाया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग नहीं है। तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि वाल्मीकि जी भूल गए या इन्होंने अतिशयोक्ति करी है,
तो अलग अलग कल्प में लीलाएं होती है ना, तो इसलिए अलग अलग कल्प। दूसरा ये गुजराती कैलेंडर के हिसाब से अभी श्रावण ही चल रहा है। हाँ, गुजराती कैलेंडर के हिसाब से श्रावण ही चल रहा है। हमारा सिंधी समाज का भी 15 दिन तक श्रावण चलेगा, महाराष्ट्र में भी श्रावण चलेगा। महाराष्ट्र में चल रहा है, कल तक था। हाँ, कल आखिरी साई सवारी तो वो सावन था उनका। हाँ, हमारा भी अभी कल ही तक श्रावण, मास का महीना बदलता है। हमारे साथ में एक घटना हुई अभी जन्माष्टमी के टाइम पे। एक माता जी अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, हम लोग वहां खड़े थे, तो हमने कहा इधर से नहीं, तो नहीं मुझे अभिषेक करना है, अभिषेक करना है। तो मैंने कहा ये अभिषेक अभी आपके लिए नहीं है, ये तो जो डोनेशन वाले हैं जिन्होंने दिया है अति विशिष्ट लोगों के लिए है। तो वो मेरे ऊपर बड़े क्रोधित हुई माता जी और बोली आप लोग पाखंडी हो और बहुत सारी चीजें बोल के गई। तो वो क्या मतलब वो चीज मतलब लगेगी कि क्या ऐसा? नहीं, आपको नहीं लगेगी क्योंकि आप व्यवस्था में थे। अच्छा, व्यवस्था कभी कभी एक ऐसी व्यवस्था मिल जाती है जब लोगों को दर्शन करने से रोकना होता है। खासकर जन्माष्टमी में ये व्यवस्था किसी न किसी को मिलती है कि जब भगवान के दर्शन के लिए भी हमें लोगों को रोकना पड़ता है कि रुकिए रुकिए, पहले अंदर अभिषेक हो जाने दीजिए या दर्शन हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद। तो पाप थोड़ी है, वो व्यवस्था आपको दी गई है, तो आपको व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए आपने वो किया, तो आपको क्या पाप लगेगा? पाप उन्हें लगेगा जिन लोगों का ईगो इतना हैवी है कि वह ना 1 मिनट या 5 मिनट का वो वेट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं आया हूँ, मुझे रोक दिया, मुझे रोक दिया। फिर वो उन्हें ये भी नहीं दिखा कि वो एक भक्त को क्या बोल रही है, पाखंडी हो तुम, पैसे के पीछे भागते हो। मुझे किसी स्त्री को मैंने जन्माष्टमी में रोका था, तो मुझे बोली, वो बोली थी कि मुझे पता है कि आपके यहाँ सिर्फ कलफ लगी साड़ी जो पहन के आती है उन्हीं को एंट्रेंस मिलता है, तो मुझे पता है कि आप लोग पैसे के पीछे ही भागते हो। लेकिन वो सेवा है हमारी, और उस समय में उस सेवा में हमें विनम्र रहना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी की तरह कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करो। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, वो इतनी क्रोधित हुई प्रभु जी, वो माता जी होते हैं जिसका जवाब नहीं। उसके बाद वो इनको मित्तल प्रभु को ले आई कि ये प्रभु जी है ना, मुझे वो नहीं कर ठीक है, पर आपको कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि आप सेवा कर रहे थे। यस प्रभु, आपका कोई इच्छा क्वेश्चन अर्जुन ने किया था, भगवान ने उसका उपाय क्या? हाँ, भगवान ने उपाय ये बताया ना कि काम के कारण रजोगुण आता है, रजोगुण के कारण फिर ये पाप की प्रवृत्ति आती है। तो हमारी सारी की सारी इच्छाएं जो है वो भगवान के आनंद के लिए होना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए, ये भगवान ने उत्तर दिया। तो अर्जुन ये भगवान से कह रहा था कि कोई एक है जो मुझे ना बलपूर्वक डाल रहा है, तो भगवान ने कहा कि वो जो बलपूर्वक तुम्हें डाल रहा है ना, वो तुम्हारी कामना है, वो तुम्हारी कामना है जिसके कारण तुम सारा उद्योग कर रहे हो, क्योंकि तुमने कामना क्या की कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो। तो भगवान ने कहा, फिर चैतन्य महाप्रभु रूप में आगे कहा कि कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तार नाम करे प्रेम। हो गया ना? ठीक है, हरे कृष्ण।